वाहिगुरु जी सारंग महला पंजवां। मेरे मन चीत आए प्रिय रंगा, बिसरयो तंद बंद माया को, रजन सवाई जंगा। मेरे मन चीत आए प्रिय रंगा, बिसरयो तंद बंद माया को, रजन सवाई जंगा। रहा हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सतसंगा। ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बस कर दीना, भोगो भोग निसंगा। निरपौ पहे नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। प्रियो अपना गुर बस गर दीना, भोगो भोग निसंगा। निरपौ पहे नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व सुखां दे दाते सतगुरु, चवर शतर तख दे मालक, जहरा जहूर अते हाजरा हजूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माण रहे वडभागी गुरमुख सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की अपार बख्श सदका अमृत वेले गुरबाणी का कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। जिथे गुरु गोद विच बैठ के कीर्तन का आनंद आप जी माण रहे सी, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की कथा विचार जो हर रोज़ आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करदे हो, उस दे नाल संबंधित सतगुरु जी दे ए पावन बचन सारंग राग विच्चों आप जी सरवण कर रहे सी। अज दा ए पवित्र मुख वाक जो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बख्शिश कीता होया है, सतगुरु जी इस मुख वाक दे राही जदों सतसंगत राही कोई प्राणी वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़दा है, परमात्मा दे गुण गाउंदियां परमात्मा दे प्यार च विचरदियां उहदी इक अवस्था बनदी है, जिथे जाके वह निरपौ हो जांदा है, उहदे सारे डर मिट जांदे ने। इस जगत नूं भय सागर किया है, जिहड़ा भौ दे नाल डर दे नाल ही भरिया होया है। जिधर भी नज़र मारो हर मनुख दे अंदर कोई ना कोई डर है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे वचन के भय विच सब आकार है, निरपौ हर जीओ सोए। ये सारा आकार संसार जिहड़ा भय दे विच है, केवल परमात्मा निरपौ है। आसा की वार विच गुरु के अपन वचन पढ़दे भय विच पवन चले सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ, भय विच इंद फिरे सिर पार, भय विच दर्दी धरती दबी पार, भय विच सूरज भै विच चंद कोहो करोड़ी चलत ना अंत। ते सतगुरु जी अखीर ते कहिंदे सगलियां पौ लिखिया सिर लेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक। जिधर भी नज़र मारीए हर मनुख दे मत्थे ते परमात्मा ने डर दा लेख लिख दिता है, कोई डर तो रहत नहीं है। सूरज चंद्रमा धरती पौन पानी सब डर दे विच ने। आम मनुखा दी गल तां की है, ये जरूरी नहीं है कि गरीब डरे है,
अमीर नूं भी बड़े डर हुंदे ने। यह जरूरी नहीं कि एक अनपढ़ बंदा डरदा है, पढ़िया लिखिया दे डर ही बड़े विलक्षण जे हुंदे ने। यह भी जरूरी नहीं कि रोगी नूं डर है, तंदुरुस्त लोगों के डर होर ज़्यादा ने। हर मनुख के अंदर डर है, चिंता है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे ने कि भय विच सब आकार है। ये जिंदगी का मकसद सी असी निरपाओ होकर जीवन पदवी नूं माणदे। ये जिंदगी डरन लई नहीं सी, पर मनुख डर दे अंदर जीव रहे। सतगुरु जी ने वह युग दर्शाई है कि असी अभय पदवी नूं किवें माण सकते हाँ। सतगुरु साहब जी ने अमृत बाणी अंदर बचन के निरपौ पए सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई। जदों गोविंद का आसरा ले लिया ना, उदों सारे डर मिट गए, उदों अंदरों निरपौ हो गए। जिथे सतगुरु जी कहिंदे अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मैं पुरख विधाता संतन की शरण आई। काम क्रोलो मोह निवारे निवरे सगल बहराई, पावन पतत पीए खिन पीतर। सतगुरु जी कहिंदे ममै कहण न जाई, निरपौ पै सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई। नानक गुण गावे करते के रहण दिन सिले बिलाई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने कि मैं हुण जिंदगी दी जो पदवी है, शिखर है, रुतबा है, जिस नूं प्राप्त करन लई असीं आए हाँ, वो जीवन पदवी नूं प्राप्त कर लिया। पर ये जीवन पदवी किवें मिली है? जदों मैं सतसंगत राही परमात्मा दे प्यार जुड़िया। ये जीवन पदवी उदों मिली जदों मैं वाहिगुरु जी दे गुण गाउंदे अपने अंदरों काम क्रोध लो मोह हंकार ते जित प्राप्त कर ली। ये जीवन पदवी उदों मिली जदों वाहिगुरु जी ने मैनूं पतत नूं पवित्र कर लिया। पतत दा अर्थ जो ऐन विकारां च औगुणां च अलूद होया पिया, लिबड़िया पिया, मैनूं पवित्र कर लिया। मैनू सारे पासे हुण परमात्मा नज़र आउण लग पिया। हुण मैं परमात्मा दे गुण गाउण दा निरपौ हो गया, परमात्मा दा आसरा मिल गया। ओ परमात्मा जिहड़ा अंतरजामी करणे हारा सोई खसम हमारा। सतगुरु जी कहिंदे ओ परमात्मा जिहड़ा अंतरजामी है, उहदे चरणां नाल जुड़ के असीं निरपौ हो गए, एक परमात्मा दा ओट आसरा बन गया। गुरु की पावन बाणी दा वचन है, ये जगत समुद्र दी न्याई है, पानी विच वड़ांगे ते पानी ते सानू भिओएगा, साडे ते असर करेगा, गिल्लिया करेगा। पर पानी विच रह के असी गिल्ले ना होइए, ये बड़ी महान गल है। असी दुनिया च रहिंदे, इत्थे चिंतावां आउणियां ही ने, फिकर आउणे ही ने, गम आउणे ने, डर आउणे ही आउणे ने। इस डर दा अर्थ नहीं कि दुनिया नूं छड्ड के किते भज जाइए। सतगुरु जी कहिंदे आपां इस जगत विच रहिंदे आ, गुरु कोल आ के वह जुगत सीखनी है कि असी इस दुनिया च रह के डरीए ना, काजल दी कोठरी असी पवित्र रह सकीए, जां इवें पानी विच जिवें कमल रहिंदा है, जिवें मुरगा भी रहिंदी है, असी दुनिया च रह के दुनिया दे डरां तों निरपौ हो जाइए। पर इह कदों आपां होवांगे? जदों निरपौ जपे सगल पौ मिटे, किसे निरपौ दा ओट आसरा लवांगे। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे इस पवित्र मुख वाक दे राही सानू उस निरपै अवस्था नू मानन दी जुग दर्शा रहे ने। उत्थे पहुँच के जो आनंद बनता है, जो मनुख दी जिंदगी अंदर चाओ बनता है, उसका जिक्र करते हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बख्शिश साडे ते कर रहे ने। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ ਆਏ ਪ੍ਰਿਯਰੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1210 ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੋ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ ਆਏ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗਾ। ਪ੍ਰੇ ਮੈਣਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੌਤਕ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ,
सत संगत विच आ के मैनू उस प्यारे प्रीतम दे कौतकां दा पता लगा, उहदियां वडियाईयां दा पता लगा। देखो परमात्मा दे बारे सानू सत संगत विच आ के पता लगेगा। मुख तो रब रब कहना बहुत उत्तम गल है, किसी भी तरीके नाल को परमात्मा नू याद करे, पर उह जो परमात्मा दे जिहड़े अजूबे ने, उस परमात्मा दे जिहड़े महान करतब ने, उन्हां दा पता ते सतसंगत विच आ के लगेगा, प्रभु प्यारियां पासों लगेगा, गुरु पासों पता लगेगा। वाहिगुरु जी कहिंदे जदों सतसंगत विच आए हुण मैनू वाहिगुरु जी दे उन्हां अजीब कौतकां दा पता लगा, वाहिगुरु जी दीआं वडियाईयां दा पता लगा। जदों मैं परमात्मा दे ए अजूबे देखे, फिर विसरियो धंद बंद माया को, रजन सुभाई जंगा। हुण मेरे मन विच्चों आ जिहड़े माया दे धंदे सी ना, ये विसरने शुरू हो गए। पहला माया दे कौतक मैं देखे, माया दी चमक दमक देखी, माया चंगी लगती सी, माया खातर ही दौड़ भज करी जांदा सी मैं दिन रात, क्योंकि माया नूं ही देखिया। पर जदों सतसंगत विच आ के गोविंद दे कौतकां दा पता लगा, वाहिगुरु जी दीआं वडियाईयां दा पता लगा, फिर मेरा मन दिन रात उस परमात्मा दे प्यार जुड़ गया। गुरबाणी दा वचन के गुर पूरा भेट्यो वड भागी, मनह पिया परगासा, कोई न पहुंचन हारा, दूजा अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, अंतर जामी करने हारा, सोई खसम हमारा। निरपो पहे गुर चरणी, लागे कराम नाम आधारा, सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होवन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपने प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे। सतगुरु जी कहिंदे जदों गुरु कोल आए पता लगा कि परमात्मा अंतर जामी है, परमात्मा दिलां दी गल नूं जाणदा है, परमात्मा सब कुछ नूं करनहार है, वह परमात्मा साडा मालक है। सानू उस परमात्मा ते भरोसा बज गया। हुण उस परमात्मा दे चरणां नाल जुड़ के निरपौ पए, परमात्मा गुरु राही परमात्मा दे चरणां नाल जुड़ के असीं निरपौ हो गए। एक परमात्मा ही साडी जिंदगी दा उटासरा बन गया। गुरु राही पता लगा कि परमात्मा साडा रिजक दाता है। गुरु राही पता लगा कि मारन रखण वाला केवल परमात्मा है। वह गुरु राही पता लगा कि वह परमात्मा इन्ना महान है, छिन में राव रंग को करी, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सख नावे, जे ताको बिवहारे। परमात्मा एक खिन विच राजे बना सकदा है, राजियां नूं रंक बना सकदा है, खालियां नूं भर सकदा है, भरियां नूं खाली कर सकदा है, आकाश ते उड़दे नूं धरती ते सुट सकदा है, धरती ते रोलदे नूं आकाश जिने उच्चे उठा सकदा है। परमात्मा दी वडियाई है। जदों सत संगत विच आ के परमात्मा दे इन्हां रंगां दा, परमात्मा दे इन्हां अजीब कम्मां दा पता लगा, ते हुण दुनिया दी माया दी चमक दमक भुल गई। हुण ते बिसरियो धंद बंद माया को, यह माया दे जंजाल टुट गए, माया दे बंधन टुट गए। हुण माया दे धंदियां तो उच्चा उठ के रजन सुभाई जंगा, रजन मैण रात्रि, रजनी तो बनिया रजन, रात्रि रात जिन्हों आपां कहने हैं। सुभाई मैण सारी जंगा दा अर्थ हुंदा जंग करना, युद्ध करना। जदों परमात्मा दे कम्मां दा पता लगा, हुण माया दी चमक दमक तां भुल गई, हुण माया तो उच्चे उठण दे लई इन्हां विकारां दे नाल हुण दिन रात मैं जंग कर रहा, इन्हां तो उच्चे उठण दे लई, इन्हां ते जित प्राप्त करन दे लई रजन सुभाई जंगा, रजन मैं रात्रि, राती दर्थ है जिंदगी। हुण मेरी जिंदगी जिहड़ी है इन्हां विकारां दे नाल जंग करदिआं संघर्ष करदिआं बतीत हो रही है, हुण इन्हां ते मैं जित प्राप्त कर रहा, इदां मेरी जिंदगी लंघ रही, हुण मैं इन्हां दे अधीन नहीं हाँ, हुण मैं इन्हां दा गुलाम नहीं हाँ। पर यह जदों रब दे प्रभु दे रंगां दा पता लगा, उदों चाओ जा गया उहदे प्यार जुड़न दे लई, फिर माया दे तंद बंद खत्म हो गए, तो इन्हां विकारां दे नाल जंग करदे जीवन बतीत हो रहा है।
रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाम हर पाया सतसंगा। सत संगत विच आ के मैं उस हरी नूं ही प्राप्त कीता। सत संगत सत नाल जुड़न दे लई है। सत संगत वो है जिथे सत दी विचार होए। गुरु के बचन के सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। सत संगत को मनुखां दे इकट्ठ नूं नहीं कहा जांदा। सत संगत वो कुछ गुरमुखां दा मेल है, रबी प्यारियां दा मेल है, जिथे रब दी ही गल होए, परमात्मा दी ही चर्चा होए, सच दी ही विचार होए। ते जिथे सच दी विचार होए ना, सतगुरु जी कहिंदे उत्थे संगत विच परमात्मा आप वसदा है। विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। सत संगत वो स्थान है जिहड़ा ज्ञान दे नाल ऐन नूरो नूर है। साध संगत स्थान जगमग नूर है। गुरु साहब जी कहिंदे ने, हे भाई जदों मैं सत संगत विच आया, हुण इत्थे आ के मैनू परमात्मा दा नाम ही मिलिया। सत संगत जोड़दी ही नाम दे नाल है। नाम नाल जुड़न दा, परमात्मा दे गुणां नूं वडियाईयां नूं जानण दा जो स्थान, उस सत संगत है। कि गुरदेव कहिंदे हुण हर पाया सत संगा, सत संगत राही मैं उस हरी नूं प्राप्त कर लिया। हुण हर सेवो हर हृदय बसामो, हर वेले मैं उस परमात्मा दी ही सेवा करदा हाँ, परमात्मा नूं ही अपने हिरदे विच वसाउंदा हाँ। परमात्मा दी की सेवा है? परमात्मा दा तां कोई शरीर नहीं है जिहनूं असीं कोई पखा झल लवांगे, जां जिहदे कोई पैर घुट लवांगे, जां जिहनूं कोई कपड़े पहना देवांगे, जां जिहनूं कोई भोजन खवा देवांगे। उहदा तां कोई आकार नहीं, उहदा तां कोई शरीर नहीं है। हुण जिहड़ा निराकार है उहदी सेवा की है? धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे हर की टैल कमावणी जपिए प्रभ का नाम। परमात्मा दी टहल यह है कि परमात्मा दे नाम नूं जपिया जाए। परमात्मा दी टहल यह है कि परमात्मा दी रजा च विचरिया जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने कि यह धरती, ये पौन, ये पानी, ये अग सारे रब दी रजा च, रब दी सेवा च लगे हुए ने, दिन रात सेवा च लगे हुए ने। हुण रब दी सेवा की है? रब दी रजा चलना। जदों सतगुरु जी कहिंदे गावन तुदनो पौन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। पौन गा रही है, सेवा कर रही है, पानी गा रहा है, अग गा रही है, धरती गा रही है, सूरज गा रहा है, चंद्रमा गा रहा है, सारा आकार ही परमात्मा नूं गा रहा है। तो मनुख क्यों ना गाए भाई? जदों समुची कायनात परमात्मा नूं गा रही है, हर पाया सतसंगा, भई मैं सत संगत राही वाहिगुरु जी नूं प्राप्त कर लिया, हुण ते मैं वाहिगुरु जी नूं ही चेते करदा हाँ, उहदी ही सेवा करदा हाँ, उहदे तों बिना होर किसे बन्ने नहीं जांदा। पहला मैं जिंदगी दे अपनियां लोड़ां दे लई, क्योंकि हर मनुख दे मन दी इह रीझ है कि उहनूं दुनियावी सुख सहूलतां मिलदियां जाण, जो चाहे उहनूं मिलदा जाए। हर मनुख इह वी चाहुंदा है कि मैनू दुख कोई ना व्यापे, सुख ही सुख मिले। हर मनुख दे मन दी ए रीझ भी है, जेड़े सुख मिले ने ये सदा कायम रहने, किते चले ना जान, कदी जिंदगी दे अंदर बद अमनी आए ना। हुण जे ते असी केवल दुनिया दे नाल जुड़ांगे, इत्थे कदी सुख कदी दुख आउणा ही आउणा है। ये अवस्था कोई भी एक रस सदा कायम नहीं रहनी, ये तो बदलती रहनी है। पर सतगुरु जी कहिंदे जे आपां चाहुंदे जदों चाहिए जो चाहिए वो मिलदा रहे, जिन्ना चिर चाहिए सानूं मिलदा रहे, फिर उहदा तां कोई इक तरीका है कि आपां उस परमात्मा दे प्यार विच जुड़ जाइए। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे जदों परमात्मा दे प्यार च आए, सत संगत विच आए, ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। प्रीतम का अर्थ हुंदा है प्यारा, मनोहर का अर्थ हुंदा है मन नूं मोह लैण वाला, मनोहर मन नूं मोह लैण वाला। मैं सत संगत विच आ के अपने अजिहे बड़े प्यारे परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया जिहड़ा मन नूं मोह लैण वाला है।
एक बेरा कोई परमात्मा दे रंग विच जुड़ जाए, परमात्मा दियां वडियाईयां सुन ले सुरत करके, वो मोहया जा सकता है। परमात्मा नूं छड़ के मुड़ के किते जाएगा नहीं। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत है ना जाए, वह परमात्मा नालों विछड़ के होर किते जाएगा ही नहीं। परमात्मा मन नूं मोह लैण वाला है। साहब जी कहिंदे परमात्मा प्यारा मैनू सतसंगत विच आ के मिलिया, हुण सुख पाए मुख मंगा। वो परमात्मा जदों मिल गया ना, फिर मैं जो मैं मंगदा वह सुख मैनू मिली जांदे, मूँह मंगियां चीज़ां मिली चलियां जांदियां ने। भाव जो भी मेरे मन की इच्छा है वह पूरी हो जाती, पर कदों होंदी है? जो मैनू परमात्मा मिल गया, वाहिगुरू मिल गया, जिहड़ा मन नूं मोह लैण वाला है। हुण प्रियो अपना गुर बस कर दीना, भोगों भोग निसंगा। निसंग हुंदे बिना झिझकदे, बिना किसी डर तो। देखो सानू वाहिगुरु जी ने बहुत कुछ दिता है, सोहने घर दिते ने, सोहने पदार्थ दिते ने, पर सब कुछ दे हुंदिया होया असी अंदरों कदी डर तो रहत नहीं होए। कोई भी कम करदे साडे अंदर कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई सहम व्यापदा रहिंदा। सतगुरु जी कहिंदे हुण मैनू परमात्मा मिल गया, गुरु ने कृपा करके वह मेरा जिहड़ा परमात्मा है ना वह मेरे वस च करता, भाव मैं उन्हू प्यार दे नाल काबू कर लिया। गुरु ने जुगत दस दी कि परमात्मा नू प्राप्त करन दा तरीका की। परमात्मा किसे तरीके नाल वस नहीं आउंदा। गुरबाणी विच सतगुरु जी दे बचन ने कि ना तू आवें वस बहुत किणा मणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे। किणावणे दा अर्थ पता की हुंदा? एवें हथ जोड़ के तरले जे लई जाने, लिलड़ियां जिहां कढ़ी जाणियां कि शायद साडा रब जिहड़ा इदां ही रीह जाएगा जे आपां अखां ते अथरू जे लियावांगे जां लिलड़ियां जिहां लवांगे। किणावणे परमात्मा इवें भी वस च नहीं आउंदा कि आपां बड़े तरले जे लईए ते वस च आ जाएगा। ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ते परमात्मा इदां भी वस च नहीं आउंदा कि असी बहुत धर्म ग्रंथ पढ़ीए, बहुत वारी पढ़ीए, कई वारी पढ़ीए ते रब मिल जाएगा। धर्म ग्रंथ तां पढ़ने ने, क्योंकि धर्म ग्रंथां चों ही सानू परमात्मा दे बारे ज्ञान मिलना है, सोझी मिलनी है। पर जे आपां उह ज्ञान प्राप्ति ना करिए ते कहीए आपां 30 वारी पढ़ लीए, 31 वारी पढ़ लीए, 51 वारी पढ़ लीए, 101 वारी पढ़ लीए, जिन्नी वारी मर्जी पढ़ लीए, सतगुरु जी कहिंदे ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे। केवल धर्म ग्रंथां नूं, वेदां कतेबां नूं पढ़िया ही परमात्मा काबू च नहीं आउंदा। जे पढ़िया काबू आउंदा, बाबा नानक जी ने कहा सी पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डियां है खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। जिन्ना चिर मर्जी पढ़ लो, तुसी सारी जिंदगी पढ़ लो, एक एक सवास तुहाडा पढ़न च लग जाए। पढ़ पढ़ के ग्रंथां दे गड्ढे लद दिओ, वड्डे वड्डे खूह खाते भर दिओ, इन्ने ग्रंथ पढ़ लो, तुसी सारी जिंदगी पढ़ी जाओ। पर सतगुरु जी कहिंदे ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे। केवल धर्म ग्रंथां नूं पढ़िया ही उह वस च नहीं आउणा। ना तू आवें वस कितें सियाणप है, वह परमात्मा कितें सियाणपां नाल भी काबू नहीं आउंदा कि मैं बड़ा चतर चलाक, दुनिया नूं मैं ठग लिया, दुनिया नूं मैं काबू कर लिया, तो परमात्मा भी काबू आ जाएगा। सतगुरु जी ने आरंभ च किया सी सहस सियाणपां लख होए इक न चले नाल। लखां सियाणपां होण इक वी इस रस्ते ते कम नहीं आउंदी। आत्मक मार्ग ते सियाणपां नहीं, इत्थे ते भोलापन काबू आउंदा। भोले पाए मिले रघुराया, चतराई ना चतर पुज पाइए, ए मन चंचला चतराई किने ना पाया। सतगुरु जी कहिंदे ओ मना चतराइयां नाल नहीं, भोलापन चाहीदा, प्यार चाहीदा। ना तू आवें वस बहुता दान दे, ते सतगुरु जी कहिंदे को बहुता दान दिते आवें ओ काबू नहीं हुंदा। दान असी इस लई नहीं देना कि दान कीतिआं सानू रब मिल जाएगा। कई बारी कई लोग इसे भुलेखे च दान दिंदे ने। दान देना इस लई नहीं कि रब मिल जाएगा, दान तां इस लई देना कि रब ने सानू दातां दित्तियां ने,
रब दियां दित्तियां दातां दी जिन्नी सानू लोड़ वरतो, बाकी योग तरीके दे नाल लोड़वंदां दी मदद कर दिओ। दान दा अर्थ हुंदा है किसे मनुख नू जिंदगी च उचियां उठाउणा, किसे नू देना ही कोई दान नहीं हुंदा। ते सतगुरु जी कहिंदे बहुता दान दित्तियां कोई रब काबू नहीं आएगा, जे इवें काबू आए फिर ते वड्डे वड्डे जिहड़े दानी लोक ने उही रब नू संभाल बैठदे। मनुखता दी सेवा करना साडा फर्ज है, ड्यूटी है। लेकिन जेकर कोई यह कहे कि केवल कुछ किसी नूं दित्तियां ही रब काबू आ जाएगा, सतगुरु जी कहिंदे नहीं, देना तो चंगी गल है। सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। ये अगम दर्थ हुंदा साडी गमता तो परे, अगोचर दर्थ जिहड़ा साडे इंद्रियां दे गोचरा ही नहीं है, जिहनूं हत्थां नाल फड़ नहीं सकदे, अखां नाल देख नहीं सकदे। वह अगम अगोचर परमात्मा दे वस च है सारी दुनिया। पर गुरु बाबा जी कहिंदे तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। वाहिगुरु जी तुसी भगतां दे वस च हो, क्योंकि भगतां नूं तुहाडा ही आसरा है, तुहाडे तो बिना भगत किसी का वोट आसरा नहीं लेंगे। भगतां दे मन च इको एक ख्याल हुंदा है कि वाहिगुरु जी दे प्यार च विचरदे ने। गुरु बाबा जी कहिंदे ने कि उह परमात्मा जिहड़ा किसी भी तरीके नाल वस च नहीं हुंदा, काबू च नहीं हुंदा, जिन्हों आपां प्राप्त नहीं कर सकते, फड़ नहीं सकते, जदों सत संगत विच आए ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। हुण ओ परमात्मा मिल गया मैनू, मैं जो मंगा सो मिली जा रही है, जो मंगा सोई देवंदा, जो उहदे पासों मंगदा हो मैनू दे ही जा रहे है। प्रियो अपना गुर बस कर दीना, मेरा वह प्यारा प्रीतम वाहिगुरु जी जिहड़ा है ना गुरु ने उन्हें मैनू वो मैनू मेरे वस च कर दिता, काबू च करता। गुरु ने जुगत दस दिती कि उस परमात्मा नू काबू करन दी जुगत की है। कलगीधर पातशाह जी दे पावन बचन रोज़ असी पढ़ते हाँ कि अखां मीटियां काबू नहीं आना, जंगलों च बैठियां काबू नहीं आना, वह तीर्थां ते भरमे आ भटकियां काबू नहीं आना, नातियां तोतियां काबू नहीं आना। उन्हों काबू करने का तरीका प्यार है। गुरु के बचन है कि कहाँ प्यो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नहात फिर लिए सात समुंदरन लोक गए, ऊपर लोक गवायो, बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सतगुरु जी कहिंदे ये गल सच सुन लो, सारे ही कह रहे हैं कि वह वाहेगुरु मिलना है प्यार कीतियां। गुरु ने सानू परमात्मा नाल प्यार पा दिता, प्यार दे नाल उस परमात्मा नू काबू कर लिया। ते हुण भोगों भोग निसंगा, भोगण दा अर्थ हुंदा मानना। हुण मैं परमात्मा दे मिलाप नू बिना झिझक तो मान रहा, मैं उस परमात्मा दे प्यार च बिना डर तो जुड़ गया। हुण डर किहदा है? देखो पहला क्यों नहीं सी जुड़दे, पहला डर सी जिंदगी दे अंदर। जदों रब वाले बन्ने जुड़न लगदे सां किते हंकार खड़ा हो जांदा सी, किते मोह खड़ा हो जांदा सी, किते लोभ खड़ा हो जांदा सी। जदों असीं मनुखी समाज च नज़र मारदे हाँ तो बहुत वड्डी घालना मनुख करदा रब दे नां ते, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई लम्मियां लम्मियां यात्रा कर रहा है, कोई सारी सारी रात जागदा उहदे प्यार विच, कोई धर्म ग्रंथां नूं वार वार पढ़ता है, बड़ी घालना करता है, कोई दान पुन करता है, शरीर नूं कष्ट भी दिंदा है। इन्हां कुछ करदियां उह किहड़ा अड़िका है जिहड़ा परमात्मा मिलदा नहीं सानूं, विच कारण की है? कारण यही है कि थोड़ा चिर उहदे प्यार जुड़े हंकार आ गया उस वेले। वह हंकार जिहड़ा उह सानूं निरंकार तक पहुँचण नहीं दिंदा। थोड़ा जिहा परमात्मा दे प्यार वल जुड़े, किसी ने कोई गल कही वह पूरी हो गई, तो हुण एक लालच आ गया कि दुनिया होर वधनी चाहीदी, रौनक लगनी चाहीदी है, लोभ आ गया अंदर, अपनी प्रतिष्ठा अपनी सुभा वधाउण दा लोभ आ गया। बस ये जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, ये रस्ते विच रस्ता रोक के खड़े हो जांदे ने, ये रब दे प्यार च बिना झिझक जोड़ नहीं देंदे। जे असी जुड़दे हाँ तो अंदर लोभ है कि परमात्मा जी यह कुछ दे दिओ, यह कुछ दे दिओ, परमात्मा पिछे ही रह जांदा है।
धर्म के नाते किन्नी खेचल करता है जीव, पर इन्नी खेचल करके परमात्मा चेते नहीं रहिंदा, मनुख नूं चीजां ही चेते रहिंदियां ने, वस्तुआं ही चेते रहिंदियां, इह कुछ चाहीदा है, इह कुछ चाहीदा है। मनुख दे वस दी गल नहीं है, इह विकार हैगे बड़े प्रबल ने। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने कहा कि इन्हां तों ते वड्डे वड्डे देवते नहीं बस सके, माया बड़ी प्रबल है, माया दे पंज दूत पंज विकार बड़े प्रबल ने। गुरु पातशाह जी कहिंदे ने जिन ब्रह्मा विष्णु महा द्यो शलिया, वड़े वड़े देवते जड़े उन्हां दे उपर इन्हां ने काबू पा लिया, असीं ते है ही आम इंसान। पर सतगुरु जी कहिंदे जदों सतसंगत विच आए, देखो ये सतसंगत किन्ना महान अस्थान सानू साडे सतगुरु जी ने दिता है कि सतसंगत विच आए हुण इत्थे नरोल परमात्मा दे नाल सांझ बनी है। जदों परमात्मा दे प्यार च गुरु के ज्ञान राहीं जुड़े, हुण साडे रस्ते च रुकावटां नहीं आ सकदियां। ये जिहड़े हंकार है, ये जिहड़े दूत ने विकार ने, इन्हां तों निसंग हो गए। हुण ते सतसंगत राहीं गुरु राहीं वह परमात्मा मेरे हिरदे च वस गया, उहनूं मैं प्यार दे नाल काबू कर लिया। प्रियो अपना गुरु बस कर दीना, प्रियो मैं ना प्यारा, अपना प्यारा प्रीतम गुरु ने मेरे वस च कर दिता, ते हुण भोगों भोग निसंगा, बिना झिझक तो बिना किसी डर तो मैं उहदे आनंद नूं माण रहा है, उहदे मिलाप नूं माण रहा, भोग कर रहा भाव उहदे मिलाप नूं माण रहा। निसंग झिझक कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है रब दे प्यार जुड़न दे लई। हुण कोई लोभ रस्ते च नहीं है, कोई क्रोध रस्ते च नहीं है, कोई हंकार रस्ते च नहीं, ये सब डरदे हो भज गए। पर ये कदों भजे? जदों सतसंगत विच आए। अपने कल्ले तौर ते कोई भगती कर रहा है भाई बहुत वधिया गल है, उत्तम प्राणी है, वह भागां वाला है। बड़े लोग ने जिहड़े अपने अपने तौर ते बड़ी साधना करदे ने, घालणा करदे ने, उस परम पिता परमात्मा दे प्यार विच जुड़न दा यतन करदे ने। पर साडे सतगुरु जी ने सब तो उत्तम थां जिथे आके लाहा प्राप्त होए वह दिती है सतसंगत। इकल्लिया असी जो कुछ भी करांगे ना, इकल्ले करदे आ साडे अंदर ये ख्याल ते आ जाएगा कि मैं बड़ा वड्डा भगत हाँ, वह हंकार बन जाएगा, हंकार दे नाल होर कई कुछ आ जाएगा। इस करके जिथे हंकार आया उत्थे सब कुछ ही आ जांदा। पर हुण जदों सतसंगत विच आए ये सारे विकार काबू कर ले, प्रभु अपना गुरु बस कर दीना, भोगो भोग निसंगा, हुण मैं निसंग हो के बिना झिझक बिना किसी डर तो वाहेगुरु जी दे रंग नूं मान रहा हाँ। ते निरभउ भए नानक भउ मिटिया, निरभउ दा अर्थ हुंदा जिथे कोई डर ना होए। ये बड़ी अमोल अवस्था है कि मनुख जिंदगी च ऐन डर हो जाए। सतगुरु जी कहिंदे अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। वाहेगुरू जी मेरे ते बख्शिश करो, मैनू अपै पदवी दे दिओ, निरभउ पदवी जिथे डर ही कोई ना होए, बेगमपुरा कोई गम ना होए, कोई चिंता ना होए, कोई फिक्र ना होए। ये अवस्था जदों मनुख दी बन जाती है वह डरदा भी नहीं ते किसी नूं डराउंदा भी नहीं है। पर ये अवस्था उदों बनती जदों मनुख पूर्ण तौर ते ज्ञानवान हो जाता है। ज्ञानवान मनुख दी गल सतगुरु जी ने गुरबाणी च कीती कि भय काहू को देत नह नह पै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु जी कहिंदे ज्ञानवान मनुख जिहड़ा ना ते उह डरदा ते ना किसे नूं डराउंदा। असीं दुनिया च डरे भी हाँ ते डराउंदे भी हाँ। बंदा दूजे नूं डराउंदा कदों? जदों आप डरिया हुंदा। जरूरी नहीं है कोई वड्डे रुतबे ते बैठ के डरदा नहीं, उह सगों ज्यादा डरदा। जिन्ना बहुता धनवान उन्ना ज्यादा डर उहदे मन च, जिन्ना बहुत वड्डा रुतबा उन्ना ही ज्यादा डर। जे देखना तो देख लो अपने आसे पासे रुतबियां ते बैठे नूं, उहनूं को कल्लियां फिर के दसो जरा, कि बाहर निकल के गली च गेड़ा मारो कल्लियां जरा, वह 15-20 सिपाही अगे 15-20 पिछे लैके इन्ने डरे हुए ने, उहनां नूं इन्ना डर है। इस करके जिन्ना बहुता वड्डा रुतबा, रुतबा माड़ा नहीं है, धन भी माड़ा नहीं है, धन डर का कारण नहीं है, रुतबा डर का कारण नहीं है, होर कोई चीज़ डर का कारण नहीं। डर का कारण कि वह अंदरों कमजोर ने, अंदरों
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਏਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਏਗਾ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਐਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਭੈ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਭਿਉ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਦਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਧਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਭਿੱਜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣੀਏ ਪਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗੁਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਜੀਉ ਸੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤਿੰਨਾ ਨਾਹੇ ਭਉ, ਭਉ ਮੁੱਚ ਨਿਭਵੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਉ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤਿੰਨਾ ਨਾਹੇ ਭਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਚ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ, ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਓ ਪਠੰਗਾ। ਪਠੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਟਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਇਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
सत संगत विच आके सानू साडी जिंदगी दा ज्ञान मिलदा और अंदरों ज्ञानवान होके असीं जदों परमात्मा दे प्यार जुड़दे हाँ सारे डर मिट जांदे ने। मनुख इस धरती दा राजा है पर जे ये फिर भी डरिया होया है तो इहनूं ज्ञान नहीं है, इहनूं सुझ ही नहीं है। ज्यों ज्यों मनुख नूं अपनी होनी दा पता लगदा है, ज्यों ज्यों मनुख नूं अपनी वैल्यू दा पता लगदा है, त्यों त्यों मनुख जिहड़ा है वह डर तों मुक्त हुंदा चलिया जांदा है। नहीं तो मनुख अपने असली नालों टुट के परमात्मा नालों टुट के इन्हां पंजां विकारां दे अधीन जां माया दा गुलाम बन के विचर रहा है, नित डरदा रहिंदा है, इहदा दिन रात जिहड़ा डर दे अधीन बतीत हुंदा है। सतगुरु जी कहिंदे कारण इह होया कि जुड़ना परमात्मा नाल सी परमात्मा नूं भुल गया। मानयोग भाई गुरदास साहिब जी ने एक बचन लिखिया ने कि इस धरती ते आउण तों पहलां परमात्मा नाल असी इकरार कीता सी, असन बसन संग लीने ओ बचन कीने, जन्म तार साध संगत श्री गुर आराध है। कि जीवन च आके सतसंगत राही वाहिगुरु जी तुहानू चेते करांगे, तुहाडे प्यार जुड़ांगे, पर इहां आए दाता बिसराए, दासी संग लपटाए, पंच भूत दूत भ्रमत असाध है। पर जदों इत्थे आए उदों दाता भुल गया, उदों माया दी चमक दमक वधिया लगन लग पई, पदार्थ वधिया लगन लग पे। हुण आपां देखदे हां कि पदार्थां दी खातर असीं बहुत यतन करदे करने चाहीदे ने, मनुख दा अधिकार है, मेहनत करनी चाहीदी है, पर जे आपां इमानदारी दे नाल अपनी जिंदगी दा विश्लेषण करिए, जिंदगी दी चंगी तरह पड़चोल करिए, तो असीं रब वाले बन्ने कदों लगदे, किन्ना कु चिर लगदे रब वाले लगन लई, ते साडे कोल टाइम ही बहुत घट जिहा हुंदा। कईआं दी लिस्ट ते रब दा नां ही नहीं हैगा। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिता वह परमात्मा भुल गया, दात प्यारी विसरिया दातारा। वह परमात्मा जिन्हें सानू पैदा किया वह भुल गया, तो दुनिया के पदार्थ महान नजर आने लग पे। किते कहो मेरा समानै करण हार तिरण जाने, किते कहो मेरे समाने दा अर्थ है कि जिहड़ियां चीज़ां परमात्मा ने कीतियां ने उन्हां नूं मेर वांगू पर्वत वांगू सुमेर पर्वत वांगू जाण लग पिया। पर करण हार तिरण जाने, जिस परमात्मा ने कीता है ना उहदे प्रति साडा प्यार ऐन तिणका कु है, कख कु जिन्ना सी समझदे परमात्मा नूं। परमात्मा वाले बन्ने ध्यान आपां देखो ना, वाहिगुरु जी ने कोई सानू खुशियां दित्तियां, खुशियां ते असीं कोई समागम रख लिया कि चलो गुरु साहिब जी दे चरण पै जाण, बाणी दा पाठ हो जाए, गुरबाणी दा कीर्तन हो जाए। समुचे टाइम दे विच असीं टाइम देखिए कि किन्ना कु गुरु नूं दित्ता, किन्ना कु गुरु के बचन सुने, नहीं ते सानू तां रिश्तेदारां चों वेल ही नहीं मिलदा, कमाकारां चों वेल ही नहीं मिलदा। और कई वेरां अरदास हो जाती, घर वाले फिर भजे आते हैं फटाफट, चलो जी आप भी हाजरी भर ली, अरदास हो जाती, कीर्तन हो जाता, अरदास हो जाती है, फिर फटाफट वेले जो होके कहते लो अरदास हो गई, सानू पता ही नहीं लगा है। इन्ना को असी टाइम दिने परमात्मा, फिर कहने परमात्मा जिहड़ा है वह साडी सुनदा नहीं। परमात्मा तो सुनदा, परमात्मा दयालु है, गल दरअसल साडा परमात्मा दे नाल लगाओ ही कोई नहीं। असी तो परमात्मा कख को जिन्ना समझने, कख जिन्ना भी नहीं कई बार समझते। सतगुरु साहब जी कहिंदे कि किते कहो मेरा सम्माने करण हार तिरण जाने, उस करण हार दाते असी कख को जिन्ना समझते हाँ। यही कारण है जिंदगी अंदर माया की चमक दमक विच असी परमात्मा नालों टुट गए। परमात्मा के प्यार च जुड़न च ना कई बार सानू बड़ी लाज जी महसूस होंदी है कि असी इन्ने अमीर इन्ने वधिया कपड़े पाए कि आ सेवा करांगे, आपां इह कम करांगे, रिश्तेदारां च खड़े आ कम करांगे, आप वह चमक दमक दा असर ही इन्ना हुंदा है। पर उस परमात्मा तो बिना असी जिंदगी अंदर सुख माण नहीं सकते, आनंद तो नहीं सकते। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साडे मन की जो अवस्था है उसनों बयान करदे आ, हर मनुख जिंदगी अंदर चाहुंदा है कि मैं सुखी वसा, हर मनुख यह भी जिंदगी चाहता है कि जो चाहो मिलता ही चलिया जाए मैनू, तो हर मनुख यह भी चाहता है कि जो कुछ है ना वो जाए कितने ना, सदा ही इवें बनिया रहे। मेरी जिंदगी का यह सुख जड़ा है किसी भी तरीके भंग ना हो। सतगुरु जी कहते वो एक तरीका है
वह है अपना सतसंगत राही परमात्मा दे प्यार जुड़ जाइए। जदों सतसंगत राही देखो परमात्मा दे प्यार च तां ही जुड़िया जाएगा जे परमात्मा दा ज्ञान होएगा, जे परमात्मा दीयां वडियाईयां दा पता चलेगा। हुण सानूं माया दे रंगां दा पता है कि माया नाल आ चीज खरीदी जा सकती है, माया नाल रुतबा मिल जांदा है, माया करके साडी दुनिया च शोभा होनी है। असीं माया नाल इस करके जुड़े क्योंकि माया दे रंगां दा सानूं पता है। आले दुआले असीं देखदे हां माया दी चमक दमक, मायाधारी लोग किन्ना माण ताण प्राप्त कर लैंदे ने, भावें उह नलायक ही होण। जरूरी नहीं कि जिन्हां दे गलां च हार पाए जांदे ने बड़े इंटैलीजेंट हुंदे ने। कई वार आपां देखदे किने किने इंटैलीजेंट लोग अपने मुल्क से, खास करके ये है ही धारणा। एक सियाने ने बड़ी सोहनी गल लिखी है कि जेड़े बहुत मेहनत करते ने, बहुत ज़्यादा मेहनत पढ़ते ने बच्चे, इंटैलीजेंट बच्चे, वो फिर कहते डाक्टर बनते ने। डाक्टर बनने लई बड़ी मेहनत करनी पैंदी, कोई एवें थोड़ा बन जांदा। तो जेड़े उदू थोड़ी जी घट मेहनत करते ने वो IAS अफसर बन गए, PCS बन गए। वो जेड़े IAS अफसर बन जाते डॉक्टरों को दबी फिरते हैं, इंटैलीजेंट लोगों। जेड़े होर घट पढ़ते ने घट मेहनत करते ने वो फिर वकील बन जाते हैं, तो वकील IAS अफसर दबी फिरते हैं। जेड़े होर घट पढ़ते ने उवें कामयाब नहीं डॉक्टर जिन्हें इंटैलीजेंट नहीं, वो फिर पॉलिटिशन बन जाते ने। और देखते हैं पॉलिटिशन राजनीति की दुनिया किन्ने कु सियाने लोग ने, चलो ठीक है वोटां लै लईआं पार्टियां नाल जुड़ के, बड़े बड़े सियाने समाज में बैठे ने लोग, बड़े बड़े इंटैलीजेंट रुतबियां ते और ज्ञानवान लोग ने। पर वो जिहड़े पॉलिटिशन ने उन्हां दी फिर उन्हां नूं मुथाजगी करनी पैंदी। पॉलिटिशन उन्हां नूं दुबली फिरदे ने, IAS अफसरां नूं दुबली फिरदे ने, वड्डे वड्डे अफसरां नूं। कई वार आपां देखदे आले दुआले माहौल इहो जिहा बणदा तां दुखी हो जांदे अफसर रुतबियां ते बैठे, पॉलिटिशन उन्हां नूं इस तरीके नाल चलाउणा चाहुंदे ने। ये जड़े बहुत घट हुंदे ना, बहुत घट, वो मेरे वर्गे धार्मिक बन जाते, फिर मत्थे टकाउण लग पैंदे, सारे नूं दवली फिरदे ने। वो डॉक्टरां नूं ही दवली फिरदे ने, IAS अफसरां नूं भी, वह पॉलिटिशनां नूं ही दवली फिरदे ने। ये साडे मुल्क दा रुझान है, लेकिन यह माया की चमक दमक की दुनिया है। जदों सतसंगत विच आ के असीं परमात्मा दे प्यार जुड़ांगे, परमात्मा दे रंगां दा पता लगेगा, इत्थे पता चलेगा कि इत्थे कोई जोर नहीं चलना, इत्थे कोई माया दा जोर नहीं चलना, इत्थे कोई राजनीति दा जोर नहीं चलना, इत्थे ते सचो ही सच निबड़े चुण वख कड़े जजमालिया। इत्थे धन वाले नूं माण नहीं, धन होना माड़ी गल नहीं है, धन गुजरान है, बहुता होए कोई गल नहीं है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि मैं बड़ा ही धन वाला ते तां माण मिलेगा, जां मैं बड़ा डिग्रियां लईआं ते तां माण मिलेगा। इत्थे ते माण बाबा नामदेव साहिब जी वर्गियां नूं मिलना, दरगे माण निमाणा पावे, इत्थे माण निमाणियां नूं मिलना, इत्थे निवे सो गौरा होए। जदों सत संगत विच आ के परमात्मा दे रंगां दा पता लगा कि परमात्मा दे दर ते तां सच दा ही नबेड़ा हुंदा है, परमात्मा दे दर ते तां गुणां दी कदर पैंदी है, परमात्मा दे दर ते किसे दा कोई जोर नहीं चलदा। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे, उत्थे कोई जात बरादरी दा, धड़ेबंदी दा, पार्टी बाजी दा कोई जोर नहीं चलना, उत्थे नवे नवे लोगों ने वाह पैना। सत संगत राही जदों परमात्मा दे इन्हां रंगां दा पता लंगा, फिर मेरे अंदरों माया दे बंधन टुट गए, फिर माया दी परवाह ही कोई नहीं है। एक महापुरख सेवापंथी होए, नाम उन्हां दा मैनूं विसर गया, बड़ी प्यारियां आत्मावां होईयां ने सेवापंथी जगत विच, बड़े लोगों गुरबाणी नाल गुरचरणा नाल उन्होंने जोड़े। बचपन तो ही वैरागी जे बन गए, चंगे घराने सन पैदा होए। एक दिन निकले घरों ते पिंड दे शहर दी धर्मशाल च जा बैठे, लभे नहीं, घरदियां ने दौड़ भज कीती। दूजे एक दिन किसी ने कहा तुहाडा मुंडा ते ओ धर्मशाल च बैठा, जिन्हों अजकल अपना गुरुद्वारा कहने, धर्मशाले बैठा जाके। तो बापू दौड़ा भजा गया, जाके वेख्या एक बन्ने नुकरे अखां मीट के बैठा, कहणगे इत्थे बैठा काका तू आके कारण की? कहिंदा जी हाँ जी बड़ा सुख मिल रहा। कहिंदे इत्थे बैठा चंगा लगता? एडे वड्डे घराने तू जन्मे, अमीर घराने च, इन्नी चंगी तेरी कोल ते इत्थे बैठा तू चंगा लगता? कहणगे कारण की है, इत्थे बैठा क्यों नहीं चंगा लगता? बापू जिस कुल का तू वास्ता पा रहे ना, जिस कुल की तू गल करे, वड्डी वड्डी कुल, बड़ा वड्डा घराना, तेरी कुल तो खोते ते झुल नालों माड़ी है। कहिंदा वो किवें?
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਠੰਡ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਖੋਤੇ ਦਾ ਝੁੱਲ ਤੱਪੜ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ, ਠੰਡ ਹਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਝੁੱਲ ਉੱਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਜਨ ਸੁਭਾਈ ਜੰਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੇਵੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਪਏ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਰੀਝ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿੰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੇ ਆਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾਤ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਝਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਹਰ ਪਾਇਓ ਪਠੰਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆ ਜਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ,
जिंदगी का असल आनंद उदों आएगा। डर डर के जीना या जिंदगी चिंता च एवें सड़ भुज के जीना एक कोई जिंदगी नहीं है। पर यह जीवन की पदवी कदों मिलती है? सतगुरु जी कहिंदे जिस वेले असी चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरण आई। आ मोए जीवन पदवी पाही, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरण आई। निरभउ पहे सगल पै खोए, गोविंद चरण उठाई। नानक गुण गावे करते का रहन दिन सिलिव लाई। जदों गोविंद दे चरणा दा ओट आसरा लै लवांगे, निरभउ हो जावांगे, सारे डर मिट जाणगे। सतगुरु जी कहिंदे फिर जीवन आनंद नाल भरपूर हो जाएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये बख्शिश करन, साडा सतसंगत नाल गुरबाणी नाल प्यार बने जी। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां, पुल चुक दी खिमा, गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी सारियां संगतां नूं अपने दरों करो नाम बाणी दा प्यार बख्शन जी। प्यार सत बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।